चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ सेकंड पार्ट ग्रीन गाउन्स फॉर बेबी गर्ल्स। तो गाइस बने रहे वीडियो में। वीडियो डिजाइंस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, आज के कलेक्शन में मैंने टोटली ग्रीन कलर को ही शेयर किया है, जो कि सेकंड पार्ट है। एक पार्ट को मैंने और भी बनाया है एक वीडियो को, जिसमें मैंने अभी बहुत काफ़ी टाइप के डिजाइंस को शेयर किया था, पैटर्न्स को। लेकिन इसमें ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलेंगे। ब्यूटीफुल कलेक्शन है गाइस, तो बने रहें वीडियो में और देखते रहें कि आपको एक से एक बढ़कर ड्रेसेस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप कहते हैं कि पार्टीज़ के लिए और फंक्शंस वेयर के लिए और स्पेशली फॉर मेहंदी और फंक्शंस के लिए जो मैंने शेयर किए हैं फर्स्ट पार्ट में भी, तो सेकंड पार्ट में भी मेहंदी और फंक्शंस के लिए ही मैं कहूँगी। लेकिन फिर भी आप चाहें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हो, नॉर्मल आप प्लेसेस पे भी पहन सकते हैं, आने जाने में भी पहन सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसका जो कहते हैं कि इसका बेस रहता है जो ज़्यादा मेहंदी ग्रीन सॉरी मेहंदी और फंक्शंस के लिए ज़्यादा बोलते हैं ग्रीन कलर को, लेकिन कहीं भी पहन सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं रहता है। तो मैंने सभी गाइस सभी ये ग्रीन कलर में ही शेयर किए हैं, जिसमें डार्क ग्रीन भी रहेगा, लाइट ग्रीन भी रहेगा और कॉम्बिनेशंस भी रहेंगे। तो बने रहें वीडियो में गाइस और देखते रहें। आई होप कि आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बने रहें वीडियो में, और हमारा कहते हैं कि आपके कमेंट से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि हमारा कलेक्शन आपको कैसा लगता है, कैसे हमारी वीडियो डिजाइंस अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक देके हमारा हौसला बढ़ाएं, और बने रहें वीडियो में और देखते रहें कि गाइस आज के कलेक्शन में मैंने टोटली ग्रीन कलर को और हैवी लुक में ही सभी ड्रेसेस को शेयर किया है, जैसे कि पार्टीज़ के लिए, पार्टी वेयर, फंक्शंस के लिए, और जैसे कोई फेस्टिवल्स भी रहते हैं तो तब भी यूज कर सकते हैं। पर क्या है कि इसको मेहंदी फंक्शंस के लिए ज़्यादा यूज में लाया जाता है, कहते हैं कि मेहंदी के लिए ग्रीन कलर ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम तो बस दे दिया है कि ग्रीन कलर मेहंदी फंक्शंस के लिए। लेकिन आप जहाँ चाहे वहाँ भी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है, उसमें तो कोई भी इशू नहीं होता है कि आप क्या एक ड्रेस सिर्फ मेहंदी के लिए ही थोड़ी ना रखी जाती है कि एक ले ली और उसके बाद में हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शादी में भी कर सकते हैं, पार्टीज़ में भी कर सकते हैं, किसी की भी और बर्थडे पार्टीज़ में भी कर सकते हैं। जैसे कि सभी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैवी लुक में हैं और सभी लेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल लुक में हैं, सभी फैशनेबल ड्रेसेस हैं, डिजाइनर हैं सभी ड्रेसेस। तो गाइस ऐसे जो ड्रेसेस रहते हैं कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस इतना है कि रेगुलर यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा थोड़े कहते हैं हीट भी देते हैं बहुत और अनकंफर्टेबल भी रहते हैं बच्चों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, मतलब रेगुलर यूज के लिए नहीं है। लेकिन पार्टीज़ के लिए, फंक्शंस के लिए हैं ये सभी, ग्रैंड लुक में है, सब लुक में ही नहीं है, ग्रैंड ड्रेस ही हैं पूरे पूरे। तो अभी ये नेटेड भी रहेंगे और सॉफ्ट नेट में भी रहेंगे और सॉफ्ट क्लॉथ में भी रहेंगे। तो ये है साटन लुक में है गाइस, तो ये इसका जो ऊपर का है वो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी लुक में है, और जो इसका लहंगा था ना वो है साटन लुक में, और ये है शिफॉन में है ये, और नेट जैसा दिख रहा है, और ये गाइस क्लॉथ में है, शिफॉन क्लॉथ में है। क्योंकि जो ड्रेसेस को हम पकड़ के देख कर के वीडियो बनाते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन सा क्लॉथ है और क्या है, तो ये है नेट में गाइस, ये सभी ये जो सॉफ्ट नेट रहती है उसमें है। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा मतलब फ्लेयर्स रख देते हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा हैवी लुक हो जाता है। और ये भी इसमें है जो एक न्यू टाइप का क्लॉथ रहता है, जो बहुत टिशू लुक में रहेगा, टिशू टाइप का रहता है, जो बहुत कहते हैं कि दिखने में मोटा मोटा सा लगता है, थोड़ा हैवी हैवी सा, लेकिन उसको पकड़ो तो स्मूथ हो जाता है। और ये भी ड्रेस उसी कपड़े में है,
जो बहुत टिश्यू क्लॉथ भी बोल सकते हैं उसको, जो बहुत पकड़ने में बहुत ही सॉफ्ट रहता है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैटी फैटी सा लगता है, मोटा मोटा सा और हैवी सा, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और ये नेट में है और ये नेटेड फ्रॉक है, जो छोटी बच्ची 1 साल की बच्ची के लिए, 1 ईयर बेबीज़ के लिए हो सकता है, ये भी फॉर 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में हैवी लग रहा है लेकिन इसकी जो मतलब लेंथ है, जो हाइट है वो कम है। और ये 2 ईयर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं ये इस ड्रेस को। और ये काफ़ी 2-3 टाइप्स में बनाया है, क्लॉथ यूज किया है इसका। तो ऐसा क्या है कि एक एक ड्रेस कभी कभी हम 2-3 मतलब क्लॉथ में भी बना देते हैं। और ये जो है इसका 3-4 टाइप में वो जो फ्लिट्स देते हैं वो दिए हैं इसका लुक। और इसका ऊपर का जो है वो नेट है, और डाउन में जो है वो कहते हैं कि हार्ड नेट रहता है ना, उस टाइप का है ये। और इसका जो ऊपर है जो फ्लावर जो नेट रहती है, फ्लावर नेट है उसका, और डाउन में नॉर्मली नेट है। तो ये नेटेड का था। और ये भी हाँ, ऊपर का जो है वो साटन में है गाइस, और डाउन में है वो टिश्यू क्लॉथ में है। और ये वाला नेटेड है, लेकिन इसकी जो डिफरेंट नेट है ये काफ़ी अच्छी लगती है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी लुक भी रहता है, और एम्ब्रॉयडरी लुक में रहती है लेकिन रहती नेट है, पर उसका कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। और ये गाइस ये वाला भी नेट का ही था, और ये भी नेटेड का ही है सभी। तो ये बहुत इसके जो पैटर्न्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और कोई भी बच्चा, पतला बच्चा भी पहन लेगा, जो बहुत स्लिम रहता है वो भी बहुत मोटा मोटा सा दिखेगा, जैसे कि हैवी हैवी दिखता है ना, और तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सभी लुक ही ऐसा सभी ड्रेस का है, जो कोई भी मतलब स्लिम बच्चा भी पहन सकता है और हेल्दी बच्चा भी पहन सकता है, तो दोनों के ऊपर अच्छे लगेंगे। और कोई भी स्लिम बच्चा पहनेगा तो वो भी मोटा ही लगेगा, दिखने में काफ़ी बड़ा सा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सभी ड्रेसेस को शेयर किया है आज, जैसे कि फंक्शंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ही अच्छे लगते हैं। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से ही हैं सभी। और ये वाला क्या है कि गाउन बहुत ही प्यारा है, और जिसमें कहते हैं कि बहुत रिस्पेक्टेबल है, जिसमें स्लीवलेस वगैरह नहीं है, और काफ़ी सिंपल और लाइट वेट में है, और बहुत ही अच्छा लुक भी उसका लग रहा है। तो ऐसे क्या है कि क्लॉथ को ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी थोड़ा सा क्लॉथ और भी चेंजेस होकर के आ रहे हैं अभी मार्केट में, तो काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो जो मतलब ना इस टाइप के जो पार्टीज़ के लिए ड्रेसेस रहती हैं सभी इसी लुक में अच्छे लगते हैं। और मतलब और भी काफ़ी काफ़ी टाइप के पैटर्न्स रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग तो वेस्टर्न भी यूज कर लेते हैं पार्टीज़, जिन बच्चों को ज़्यादा इरिटेशन होता है ऐसे कपड़ों में, मतलब जो हैवी लुक में रहते हैं और फैंसी रहते हैं, ग्रैंड लुक में ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो वो बच्चों के लिए फैंसी की जगह पर वो वेस्टर्न भी यूज कर लेते हैं स्मूथ क्लॉथ में। तो सभी की अपनी चॉइस रहती है, तो वो भी अच्छे लगते हैं स्मूथ क्लॉथ में जो आते हैं कपड़े, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लगते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। लेकिन क्या है, सभी की चॉइस अलग है, और मैक्सिमम ऐसे फैंसी ड्रेस ही पसंद, अच्छे लगते हैं स्टाइलिश। तो देखिए थोड़ा बहुत तो मैनेज करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अब फंक्शन वगैरह में थोड़ा मैनेज कर लिया करें, क्योंकि फंक्शन तो रोज़ भी नहीं होते हैं, और स्मूथ क्लॉथ तो कभी भी पहन सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको हमारा कलेक्शन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।